दोस्तों, अगर आप एक ऐसी बाइक के लिए मार्केट में हो जिससे आपको एक बहुत बढ़िया माइलेज मिल सकता है, जिसका इंजन रिलायबिलिटी अच्छा हो, जिसका पार्ट्स अवेलेबिलिटी अच्छा हो और इजी टू मेंटेन हो पॉकेट के अंदर, और जिसके लगभग आपको अच्छा कंफर्ट मिल जाएगा और डिसेंट लुक्स भी मिल जाएगा, तो सलूटो आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और सलूटो के कई सारे वेरिएंट्स अभी मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें कलर और डिस्क ड्रम वेरिएंट्स आता है। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने रिव्यू करने वाला हूँ सलूटो आर्माडा ब्लू मैट एडिशन विद डिस्क एंड UBS, यानी कि यूनिफाइड ब्रेकिंग सिस्टम, जो बिल्कुल ही कॉम्बी ब्रेक की तरह काम करता है। दोस्तों, अगर आप सलूटो के ग्लॉसी कलर को देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, सलूटो एक ऐसा ही मॉडल है जो आपको एक बहुत बढ़िया अपना बेस्ट इन क्लास माइलेज दे देगा, और इसमें कई सारे ऐसे प्रैक्टिकल फीचर्स यामाहा कंपनी ने दिया है जिससे आपको एवरीडे राइडिंग में बहुत आसानी आने वाला है। एंड आप इसको एक फैमिली बाइक के हिसाब से, इंडियन टिपिकल इंडियन फैमिली बाइक के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द बंगाल राइडर एंड मैं हूं आपका होस्ट अरिजीत। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको मिल सके वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों, कोई भी मैकेनिकल चेंजेस यहाँ पे नहीं हुआ है UBS के अलावा। फ्रंट में आप देख सकते हैं पायलट लैंप के साथ आपको एक 35x35 वाट का AC ऑपरेटेड हैलोजन हेडलैम्प मिल जाता है, और जो इंडिकेटर्स वो बिल्कुल ही फ्लेक्सिबल है। और यहाँ पे आपको एक डिसेंट स्विच गियर भी मिल जाता है। एक आपको पियानो ब्लैक फिनिश में अपलिफ्टेड हैंडल बार मिल जाता है, जिससे कि आप एक कम्यूटरिश पोजिशन में, अपराइट पोजिशन में कम्फर्टेबली बैठ सकते हैं। और जो मीटर कंसोल है वो भी बिल्कुल ही एनालॉग सेटअप है। मुझे यहाँ पे लगता है कि अगर डिजिटल सेटअप देता तो और भी बेटर होता। टैंक यहाँ पे थोड़ा सा मस्कुलर देने का कोशिश किया है यामाहा ने, और इसकी कैपेसिटी है 7.6 लीटर्स। सीट जो है दोस्तों, आप देख सकते हैं सीट काफ़ी लंबा है और पिलियन टेकने में आपको बहुत ही आसानी होगा। पीछे अगर हम आते हैं दोस्तों, तो एक बड़ा सा इसमें टेल लैम्प है, और जो इंडिकेटर्स अगेन इसमें फ्लेक्सिबल दिया गया है। ये एक ऐसा फीचर है जो आपको रेगुलर डे टू डे राइडिंग में बहुत हेल्प करने वाला है, और ये आसानी से टूटेगा नहीं। कोई भी LEDs इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ है, जो कि मुझे थोड़ा सा इसमें डाउनसाइड लगा है। और जो टैंक कैपेसिटी है वो भी मुझे लगता है कि कॉम्पिटिशन को देखते हुए एटलीस्ट एक 9 लीटर्स का टैंक यहाँ पर होना चाहिए था। UBS यहाँ पर दिया गया है, जो बिल्कुल ही कॉम्बी ब्रेक की तरह काम करता है। आप देख सकते हैं दो ब्रेक लाइन्स यहाँ पर गया है, दो वायर्स गया है। ये बिल्कुल ही UBS जो सिस्टम है उसे ध्यान में रखते हुए किया गया है। और पीछे आप देख सकते हैं ये सिस्टम कैसे काम करता है। अब जैसे कि आप पीछे की ब्रेक दबाएंगे, जैसे कि मैं अभी दबा रहा हूँ, तो सामने एक स्प्रिंग रहेगा, तो इससे क्या होगा कि आपका फ्रंट का ब्रेक भी एंगेज हो जाएगा, जो आपको एक बेटर ब्रेकिंग दे देगा और आपकी बाइक को अचानक स्किड होने में बचा देगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा सेफ्टी फीचर है, जो कि अब हर बाइक्स में, स्कूटर्स में मैंडेटरी हो गया है। इंजन को दोस्तों अगर देखते हैं, तो ये एक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है, 125cc का ब्लू कोर टेक्नोलॉजी वाला, और इसका पावर है 8.3 PS एंड टॉर्क है 10.1 न्यूटन मीटर्स। दोस्तों, बाइक आप कह सकते हैं कि इसका जो पावर फिगर है वो दूसरे बाइक से कम है 125cc में, लेकिन यामाहा कंपनी ने इस बाइक को बिल्कुल ही माइलेज के हिसाब से बनाया है, तो जानबूझ के ही इसमें माइलेज कम, पावर कम रखा गया है, जिससे कि आपको एक बेटर फ्यूल इकोनॉमी इससे मिल सके। और टॉर्क इसमें ज़्यादा दिया गया है 10.1 न्यूटन मीटर्स। इसके सिटी के अंदर आपको अच्छा पिकअप मिल जाएगा। सीएट के टायर्स दिया गया है दोनों ही तरफ, और ये 80x118 इंच का टायर है। फ्रंट में आपको 245mm की डिस्क और पीछे 130mm की ड्रम ब्रेक मिलेगा। पीछे आपको एडजस्टेबल हाइड्रोलिक सस्पेंशन और सामने आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाएगा। एक गन बैरल स्टाइल का स्पोर्टी एग्जॉस्ट इसमें आता है, और इसका बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है। यामाहा की बिल्ड क्वालिटी हमेशा से अच्छा होता है, और ये उसी का एक जो सलूटो है वो भी इसमें एक्सेप्शन नहीं है। बिल्ड क्वालिटी बहुत ही इसमें अच्छा मिलने वाला है। दोस्तों, ग्राउंड क्लियरेंस 180mm है, जो कि अपने सेगमेंट में शायद हाईएस्ट है, और इंडियन रोड्स में ये बहुत ही काम आने वाला है बड़े से बड़े स्पीड ब्रेकर्स में। इसका जो वेट है वो लोएस्ट इन क्लास है, 114 kg, अपने सेगमेंट में सबसे लाइट वेट बाइक है ये। और अगर हम इसकी माइलेज की बात करते हैं दोस्तों, तो आपको सिटी के अंदर अराउंड 60-65 के माइलेज, और हाईवे में अप टू 68-70 किलोमीटर्स पर लीटर का माइलेज मिल सकता है। और दोस्तों, अगर हम इसकी एक्स शोरूम प्राइस कोलकाता की बात करते हैं, तो अराउंड 62,000 इस पर्टिकुलर वेरिएंट का प्राइस है, जिसमें आपको आर्माडा ब्लू और डिस्क मिलेगा विथ UBS। और दोस्तों, अगर हम इसकी कॉन्स की बात करते हैं सलूटो की, तो कॉन्स मुझे यही लगा है कि इसमें अभी एक एटलीस्ट एक डिजिटल मीटर होना चाहिए था, बैक में LED होना चाहिए था, और इसका जो टैंक कैपेसिटी है वो थोड़ा सा
ज़्यादा देना चाहिए था कंपटीशन को देखते हुए। इसके अलावा जो भी है वो बिल्कुल ही इस बाइक को अपने सेगमेंट में एक अच्छा बाइक बना देता है। आप इसको अगर खरीदना चाहते हैं तो ज़रूर इसका टेस्ट राइड लेकर देख सकते हैं। टॉप स्पीड अराउंड आपको 100 किलोमीटर्स पर आवर का मिल जाएगा। तो दोस्तों यही था एक मेरा रिव्यू। आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक, किसी नए वीडियो के साथ। अगर आप बाइक को ओन करते हैं तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग और आगे फिर मिलते हैं।